आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताने वाली हूँ जो कि आपको चमक भी देगी, चेहरे पर दाग धब्बे हैं उसको भी खत्म करेगी, आपके चेहरे पर जो कालापन की परत चढ़ी हुई है उसको उतार के और आपके रंग को गोरा बनाएगी। जी हाँ, आप मेरा फेस को देख सकते हैं, बहुत अच्छे से ग्लो भी कर रहा है, स्किन बहुत अच्छे से चमक रही है, फेस पर कोई निशान नहीं है, कोई दाग धब्बा नहीं है। तो इसी तरीके का फेस आप भी चाहते हैं तो आज की जो रेमेडी है आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। आज मैं बताऊंगी मेरे चमकते चेहरे का राज, सीक्रेट तरीका लेकर आई हूँ जो कि आप करते हो तो आपका स्किन भी बहुत अच्छे से धमकने वाली है, चमकने वाली है। आप खुद हैरान हो जाओगे जब आप अपने फेस को चमकता हुआ देखोगे। देखिए, जो रेमेडी मैं लेकर आई हूँ ये रेमेडी बहुत अच्छी है, एक तरीके से आप इसको नाइट क्रीम भी कह सकते हैं और नाइट जेल भी कह सकते हैं और जी झाइयों की दवाई भी कह सकते हैं और फेस को गोरा करने की दवाई भी कह सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही अच्छे से काम करने वाली है। रेमेडी को आप करते हो तो मैं ये मानती हूँ कि आपको ना ही फेशियल ब्लीच या फिर कोई महंगे से जो महंगे ट्रीटमेंट होते हैं उस ट्रीटमेंट की लेने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आपने बहुत सारी रेमेडी लगा ली है, बहुत सारी ट्राई की है और बहुत सारी जो है आप ट्राई करना चाहते हैं, लेकिन आप इस रेमेडी को भी ट्राई कर सकते हैं मेरे बताए अनुसार, जैसे मैं बताऊँगी और जो जो चीज़ मैंने इसमें ऐड की है सभी चीज़ आपको ऐड करनी है। कोई मैंने ऐसी चीज़ ऐड नहीं की है जो कि आपको नहीं मिलेगी या फिर बहुत ज़्यादा महंगी है, कॉस्टली है। मात्र 2 से 3 रुपए वाली चीज़ों से ही मैंने जो है इस रेमेडी को तैयार किया है। आप मेरे फेस पर ग्लो देख रहे हो, चमक देख रहे हो, मैंने कोई फेशियल कोई ट्रीटमेंट वगैरह नहीं करती हूँ, मैं अपनी स्किन पर कुछ भी नहीं कराती हूँ गाइस, मैं सिर्फ जो है थ्रेडिंग वगैरह करा लेती हूँ वरना मैं कोई फेशियल वगैरह जल्दी से नहीं कराती हूँ। मैं जो है होम रेमेडी वाले जो फेशियल होते हैं वो ही लगाना ज़्यादा पसंद करती हूँ और उसको ही मैं लगा लेती हूँ क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि मैं जो है पार्लरों के चक्कर काटूँ। ठीक है, मैं जल्दी से बता देती हूँ कि इस जेल को, इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ लगने वाली है। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो आपको अच्छी लगे और आप वीडियो आगे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक ज़रूर से करना, आपका लाइक मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोटिवेशनल का काम करता है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है लाइक ज़रूर से करना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो है एक खाली बाउल लेना है जिसमें आपको रेमेडी को तैयार करना है, क्लीन सा आपको बाउल ले लेना है और इसमें आपको ऐड करना है फिटकरी यानी कि एलम। देखिए, ये फिटकरी के कितने बड़े बड़े फ़ायदे हैं वो तो आप सभी को पता ही होगा। फिटकरी जले कटे के लिए, साथ ही निशान के दाग धब्बों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। फिटकरी आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है, आपके फेस पर बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं तो आप ज़रूर 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 से इसको ट्राई करना क्योंकि ये दाग धब्बों को बहुत बहुत कम टाइम में लाइट अप कर देगी और आपके दाग धब्बे कहाँ थे ये आपको पता भी नहीं चलेगा। जी हाँ, बिल्कुल जड़ से ख़त्म करने वाली है झाइयाँ, पिगमेंटेशन, इवन आपके फेस को भी लाइट अप करती है। तो सबसे पहले आपको लेनी है फिटकरी मैंने जो ली थी वो पिसी हुई ली थी। देखिए, स्टोन आता है, स्टोन को आप पीस कर घर जो है रख सकते हैं। मैंने जो है इसको स्टोन लाकर और कूट कर अच्छे से इसको मिक्सर में मैंने थोड़ी दरदरी टाइप का पीस कर और स्टोर करके रखा हुआ है। तो आपको बहुत ही कम लेनी है, करीबन मैंने 3 से 4 पिंच भर के जो है ली है एलम यानी कि फिटकरी। और दूसरी चीज़ मैंने ली है रोज़ वाटर, रोज़ वाटर 1/4 चम्मच आपको लेनी है और 1 चम्मच भर के लेना है आपको कच्चा दूध, कच्चा दूध चिल्ड वाला दूध होना चाहिए और इसमें 1/2 चम्मच आप लेंगे नारियल का तेल। अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स करना है, देन एक चीज़ आपको और ऐड करनी है ताकि फेस पर ग्लो भी आए और फेस के जो दाग धब्बे हैं वो भी निखरे और आपके जो चेहरे की लूज़ स्किन है, बुढ़ापा फेस पर आ गया है तो वो भी ख़त्म हो जाए। तो आपको लेना है 1 विटामिन ई का कैप्सूल, जी हाँ 1 ऐप को ऐड करना है और इतनी रेमेडी आप 3 से 4 दिन के लिए, यानी कि ये रेमेडी आपके लिए 3 से 4 दिन के लिए बहुत है। तो आपको क्या करना है, आपको कम कम क्वांटिटी में ही इसको बनाकर रखना है, आप 3 से 4 दिन से ज़्यादा इसको बनाकर ना रखें, ठीक है। और लास्ट में आप लेंगे एलोवेरा जेल, इससे रिंकल्स पिंपल्स ये सब दूर होंगे और फेस पर बहुत अच्छे से निखार भी आएगा। तो आपको लेना है 1/2 से भी 1/2 चम्मच एलोवेरा जेल क्योंकि हम रेमेडी के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से आपको मिक्स करनी है, करीबन 1 मिनट के करीब आपको अच्छे से मिक्स करना है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए और आपकी जो रेमेडी है, आपकी जो क्रीम है वो तैयार हो जाए। आप इसको जो है फ्रिज में रख सकते हैं,
आप इसको फ्रिज के जो डोर आता है उसमें आप इसको स्टोर करके रखें, ठीक है। तो देखिए अभी हम जो है इसको सेम टाइम पर नहीं लगाएंगे, मैंने एक मिनट के लिए कम से कम इसे फ्रिज में रखा था, फिर मैंने अपने फेस पर इसको अप्लाई किया, क्योंकि हमारे फेस पर पसीने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ईचिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो आप जो है फ्रिज में इसको रखें और फिर जो है अप्लाई करें। रेमेडी को कैसे लगाना है, देखिए दो तरीके हैं इस रेमेडी के लगाने के। देखिए सबसे पहले तो आपको अपने फेस को क्लीन कर लेना है। आप चाहें तो इसको कॉटन के साथ लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसको जो टैबलेट आती है आइस जो टैबलेट मार्क्स आता है उसके साथ भी आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन इतना तामझाम इतने पैसे खर्च करने का मेरा मन नहीं है। आपका मन है तो आप लगा सकते हैं, मैं जो है इसको सिंपल तरीके से लगाऊंगी, लेकिन मैंने आपको बता दिया है जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसा आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है, देन उसके बाद आपको जो है लेना है इस रेमेडी को, ठीक है। अपने हाथों पर आप ले लें, क्योंकि ये थोड़ा सा लिक्विड है और लिक्विड ही हमें चाहिए ताकि हमारी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपके दाग धब्बे ज़्यादा हैं वहाँ वहाँ आप इसको लगाएं अच्छे से। देखिए ये स्किन को टाइट भी करता है, स्किन को यंग बनाता है और इस डेड स्किन वगैरह होती है उसको रिमूव करता है, फेस पर जो ओपन पोर्स की दिक्कत होती है उसको भी कम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको लगा लेना है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी आसान सा है, आप इस रेमेडी को ज़रूर से करें, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है, देखिए इस रेमेडी से पहले आपको लगता है कि आपने अपने फेस पर कुछ भी ट्राई नहीं किया है और आप जो है कंफ्यूज हैं, कि आपको भी लगता है कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, तो आपको क्या करना है, अपने फेस पर जो है पहले रोज़ वाटर का स्प्रे कर लेना है अच्छे से, या फिर आप अपने हाथों से जो है रोज़ वाटर लगा लें, फिर जो है इस रेमेडी को आप लगा सकते हैं, फिर आपकी स्किन पर कोई भी रिएक्शन इचिंग वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और आप जो है कभी कुछ लगाते रहते हैं, फिर जो है आप डायरेक्ट लगा सकते हैं इस तरीके से। देखिए मैंने कोई रोज़ वाटर नहीं लगाया है, क्योंकि मैंने इसमें रेमेडी में ऐड भी किया है और जी मैं जो है अपने फेस पर लगाती रहती हूँ, वैसे भी मेरी स्किन सेंसिटिव है, मेरी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपकी स्किन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा इसकी मसाज आपको करनी है, कितनी करनी है, कम से कम 8 से 10 मिनट आप इसकी मसाज करेंगे इस तरीके से, अपोजिट डायरेक्शन में आपको करनी है इसकी मसाज इस तरीके से, आपकी स्किन टाइट बनेगी और आपके जो दाग धब्बे हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। इस तरीके से आपको इसकी मसाज करनी है, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए मसाज हमारी कंप्लीट हो गई है। देखिए डार्क सर्कल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मेरे पास मैसेज भी आ रहे थे कि हमारे आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए हैं, तो डार्क सर्कल के लिए आप कुछ बताएं, तो ये रेमेडी बेस्ट होने वाली है। आपको क्या करना है, आपके फेस पर बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, तब आपको कॉटन लेनी है, कॉटन के साथ जो है इस तरीके से आपको 2 से 3 बार इसको लगाना है, देखिए आपको लगाना है, देन उसके बाद जो है आप छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के बाद, फिर से आप जो है इसको लगाएंगे, फिर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, फिर जो है 15 से 20 मिनट के बाद फिर से जो है आपको आइस के नीचे लगाना है। ध्यान रखना है कि आइस में बिल्कुल भी आपके ना जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है डार्क सर्कल को भी ख़त्म कर सकते हैं इस रेमेडी के साथ, तो ये डार्क सर्कल के लिए भी बेस्ट होने वाली है। इस तरीके से आपको इसको लगा लेना है। अच्छा आपको जो है इसको लगाकर कितनी देर लो रखना है, कम से कम 1.5 से 1 घंटा आप इसको अपने फेस पर लगाकर रखेंगे, देन 1.5 से 1 घंटे के बाद अपने फेस को नॉर्मल प्लेन पानी से आप जो है धो दोगे, ठीक है। धोना है अच्छे से, धोने के बाद आपको क्या करना है, फेस पर स्प्रे कर सकते हैं रोज़ वाटर का, या फिर जो है नॉर्मल सनस्क्रीम लगा सकते हैं, नाइट क्रीम लगा सकते हैं, या फिर आपको लगाना है एलोवेरा जेल, उससे अच्छे से इसकी करनी है मसाज, यानी कि मॉइस्चराइज़र वाले आइटम आपको अपने फेस पर लगाने हैं, ताकि आपकी स्किन थोड़ी सी आपको ड्राई हो सकती है, क्योंकि हमने इसमें फिटकरी ऐड की है, फिटकरी हमारी हल्की सी स्किन को ड्राई करती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगे तो फिर से बोलती हूँ लाइक ज़रूर से करना। चलिए फिर मिलती हूँ ऐसे ही यूजफुल प्यारी प्यारी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।